तो गाइस ऑलमोस्ट सारी मेरी व्लॉगिंग किट तैयार है। इस तरीके से कुछ होने वाला है, ये देखो। अगर मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो मुझे अपना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। Hey guys, welcome back to my channel. मैं गया था आज हेलमेट लेने, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा हेलमेट लेने गया था। पर उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ मेरे पास कौन सा हेलमेट था, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो गाइज मेरे पास ना ये वाला हेलमेट था पहले, तो इसमें ना इसपे चिन नहीं है, तो इसपे मैं ना माउंट सेटअप नहीं कर पा रहा था। तो आज गया था तो मैं ये लेके आया हूँ स्टड गाज हेलमेट। तो देखो मैंने अपना सेटअप कर दिया है, ये देखो यहाँ पर। ये मैं हाल फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले चांदनी चौक गया था तो वहां से लेके आया था। ये मेरे को पड़ा था अराउंड 250 का, चल 250 का पड़ा था, प्लस साथ में इसके साथ ये वाला माउंट भी आ गया। तो ये देखो गाइज मेरा हेलमेट, तो इससे अब अच्छा खासा मैं मोटो व्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो गाइज मोबाइल लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने वाला है ये तो अभी मैंने हाल फिलहाल वाइफ का फ़ोन लगा रखा है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी, तो वाला फ़ोन ही लगाया। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको पहन के दिखाता हूँ इसको। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपको ये दिखे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, अरे मूड खराब कर दिया। वो तो अपना हेलमेट लगा, मुझे याद नहीं था कि इसको लगाने के बाद बाहर तक आवाज नहीं आएगी। तो इस तरीके से कुछ, ये देखो मैं आपको साइड एंगल दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ से दिखेगा, अगर मैं इस तरफ से दिखाऊँ तो ये इस ऐसे, तो सामने का सारा फ्रंट व्यू वगैरह। अभी ना दिक्कत होती थी तो फ़ोन को मैं कैसे व्लॉगिंग करता। तो अभी ना मैं बाहर निकलूँगा तो कम से कम ये है कि जो बाकी चीज़ें होंगी सारी इसमें शूट हो जाएंगी, रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो आपको दिख रहा हो। और गाइस साथ में मैं ये चेस्ट माउंट लेके आया था, ये भी मेरे को 250 का अराउंड पड़ा था। ऑनलाइन भी मेरे को मतलब ठीक है इस रेंज में मिल रहा था, पर मैंने सोचा है चलो ऑफलाइन जाकर ही बेटर है, वहाँ पर देख भी लूँगा कैसा है कैसा नहीं है। तो गाइस मैं अभी इसको पहन के दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो गाइस देखिए इस तरीके से कुछ होने वाला है, ये देखो। अगर मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो मुझे अपना हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरीके से शूट कर सकता हूँ अपने फ़ोन से। जब तक हमारे पास GoPro कैमरा नहीं है तो अपने फ़ोन से इस तरीके से हम शूट कर सकते हैं, सामने का व्यू ले सकते हैं और अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे हाथ में अगर दूसरा कोई GoPro है, कैमरा है, तो हम ऐसे टेढ़ा अपना एंगल जो भी लेना हो ले सकते हैं। बाकी हमारा सामने से फ्रंट का व्यू तो कैप्चर हो ही रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें व्यू मिलता है। आप देख रहे होंगे ये सामने, अगर अभी मैंने इस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो इस तरीके से व्यू कुछ मिल जाता है। मैं आपको सामने भी दिखा सकता हूँ मैं कैसा दिख रहा हूँ इसमें, आप देख सकते हो ये देखिए, बट कुछ इस तरीके का व्यू रहेगा आपका, देख सकते हो गाइस ये देखिए, और सामने का व्यू देख सकते हो आप, ऐसे भी देख सकते हो, ऐसा देख रहा हूँ मैं। तो गाइस ऑलमोस्ट सारी मेरी व्लॉगिंग किट तैयार है, यहाँ पर देख सकते हो। ये मैंने आपको बताई दिया ये मैंने आपको बताई दिया चेस्ट माउंट और आपका ये हेलमेट। ये मेरे को कुछ 1400 रुपये कुछ पड़ा है, मेरे को 1350-1700 कुछ रेंज बताया था, तो ऑफलाइन मार्केट में जाके मैंने अपने इधर से ही ले लिया था। और ये इसकी कीमत तो मैंने आपको बताई दी है, ये मेरे को 250 रुपये का कुछ पड़ा था, ये भी कुछ मेरे को 250 रुपये का पड़ा था, गोरिल्ला ट्राइपॉड। और ये है एक माइक, छोटा सा माइक, बेसिक माइक है जो अपने हेलमेट में लगाने के लिए। और मैं आपको दिखाऊं ये घर पे, बाकी आप देख सकते हो ये मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ। ये मैंने अभी यहाँ पर रबड़ लगा रखी है क्योंकि इसके पीछे ना बोया का माइक लगा हुआ है यहाँ पर इस सेटअप करने के लिए। तो अपने फ़ोन से ऐसे मैंने ये इस तरीके से मैंने किया हुआ है। तो गाइस छोटा सा व्लॉग था, आपको बताया मैं कैसे कैसे व्लॉगिंग करूँगा और कैसे करता हूँ इसे। तो अभी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।